प्री मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 फरवरी 2024। कल के दिन एफओएमसी रेट डिसीशंस था, जिसके कारण मार्केट इंतजार कर रहा था कि कोई फर्दर क्लोज मिले। एफओएमसी रेट डिसीशंस जहां पे अल्टीमेट जो जिस्ट या समारी आए हुए हैं वो है कि ना इमीडिएटली कोई रेट कट करेंगे, ना कोई रेट हाइक करने का जरूरत पड़ेगा। यानी अभी जब तक टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट 2% के नजदीक नहीं आते हैं, तब तक फर्दर रेट कट करने का कोई सवाल नहीं है, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है। कल के दिन प्राइस एक्शंस को देख के ये लग रहा था जो एफएमसी रेट डिसीशंस होगा वो आपका डॉलर नेगेटिव होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। अभी मार्केट इंतजार कर रहा है फ्राइडे का एफओएमसी रेट डिसीशंस के लिए। ऑल्दो आज के दिन हमारा वोट ऑन अकाउंट, यानी जो छोटा बजट है, नॉट ए फुल फ्लेज्ड बजट, वोट ऑन अकाउंट्स आज है, जो करेंसी मार्केट के लिए इतना ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर इक्विटी मार्केट इट मीन्स गिव्स ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। सो अभी ये जो प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन के अंदर में ही अटक गया है, फंस गया है, जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलते डॉलर इंडेक्स, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। वन मोर डे मीन्स द फ्राइडे वी नीड टू सी हाउ द एनएपी डेटा प्रिंट आउट इज कमिंग। डॉलर रुपी कंसोलिडेशन कल के दिन में लो ट्रेड हुआ था आपका 83.05 के आसपास, सो नीचे के तरफ 83.05 एंड ऊपर के तरफ आपका 83.20 83.25, इसी बीच में रहने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। इन बिटवीन शार्ट कुछ अगर करेक्शंस होता भी है आइदर डायरेक्शंस पे, तो इनविजिबल हैंड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी देयर टू ब्रिंग बैक द डॉलर रुपी विद इन इट्स डिफाइंड रेंज दैट द इनविजिबल हैंड्स हैव आइडेंटिफाइड और क्रिएटेड। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में कल के दिन में हम अगर देखेंगे एक स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेशन जारी है। अभी हमें इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक इस रेंज के बाहर ना निकले, नीचे के तरफ 1.26 ऊपर के तरफ 1.2850, इस रेंज के बाहर अगर नहीं निकलते इधर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, हमें इंतजार करना पड़ेगा। सिमिलरली जीबीपी आईएनआर में भी ऑन द लोअर साइड 104.75 एंड ऑन द हायर साइड 106.75, इस रेंज में जब तक है हमें इंतजार करना पड़ेगा ब्रेकआउट के लिए। हियर आल्सो द सेम थिंग, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, तब उसके बाद ही एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो डॉलर में कल के दिन ये आपका ऊपर की तरफ इट ट्रेडेड हाई ऑफ 1.0887 बट कुडंट सस्टेन ऑन द हायर एंड्स। कल के दिन हमने एक यूरो डॉलर का एंड यूरो आईएनआर का ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप का डिस्कस किया है, जो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं, जहां पे हमें इंतजार है कि ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो, समथिंग लाइक दिस बुलिश कैंडल, ऐसा कुछ एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो जिसके हाई के ऊपर हम बाई कर सकते हैं। कल के दिन में ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर छुआ, टच किया, सस्टेन कर नहीं पाया एंड क्लोज लोअर। सो अगेन वी नीड टू वेट फॉर द इनकमिंग डेज, क्या ये यूरो डॉलर इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देते हैं। इन द मीन टाइम वन मोर कंडीशन क्या है, वीकली बेसिस पे ये सेंटर बैंड यानी 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज देना नहीं चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज देते हैं, जो एंटायर कैलकुलेशन है वो हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा। सिमिलरली यूरो आयनर में भी वही है, हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बुलिश कैंडल का इंतजार है, जो कल के दिन इनिशियल टाइमिंग्स में देने का प्रयास किया लेकिन क्लोज नीचे की तरफ आया है। यहाँ पर भी वही है, वीकली बेसिस पे प्राइस एक्शन जो है, कैंडल जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं देना।
अगर देते हैं तो हमारा ये जो ड्यूअल पीरियड बोलिंग जैकेट वाला सेटअप का कॉन्सेप्ट है ये निगेट कर जाएगा एंड हमें नए सिरे से प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। अभी हमें वंस अगेन इंतजार है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज दे दे तब के तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। यूरो डॉलर येन, डॉलर येन में कल के दिन में इट ट्रेडेड लो ऑफ 146.00 लेकिन उस लेवल पे सस्टेन कर नहीं पाया एंड क्लोज्ड हायर एट 146.86। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है इसके लो के नीचे आ चुका है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर ये जो कल का कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल नहीं है, प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड दैट बीइंग द केस इसको अगर नीचे की तरफ फर्दर जाना है तो हमें प्राइस एक्शंस पक्का चाहिए तभी जाके हम बोल सकते हैं कि अभी ये बियरिश हो रहा है। अभी भी ये रिजेक्शंस के लिए हमें कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते कि डॉलर येन सेल ऑफ हो जाएगा, हमें प्राइस एक्शंस का इंतजार है। येन आईएनआर यहाँ पर भी आपका सिमिलरली ये जो आपका 24 जनवरी का हाई है इसके ऊपर हमें डब्ल्यू पैटर्न का एक कॉन्फर्मेशन चाहिए था लेकिन इसके हाई के ऊपर अभी तक क्लोज नहीं दिया, कल के दिन में टच हुआ फिर नीचे की तरफ आके क्लोज दिया। क्या आज इसके हाई के ऊपर क्लोज देता है? इन सच केस हमारा जो W पैटर्न से फॉर बाइंग सेटअप वो ट्रिगर हो जाएगा। अभी डॉलर कैंडी में कल के दिन में आपका एक सपोर्ट बनाया हुआ है फ्रॉम एन इंट्राडे लो ऑफ 1.3380 लेवल से इट क्लोज्ड हायर एट 1.3358 लेकिन यहाँ पे एक M पैटर्न है, इस M पैटर्न को अगर देना है इसका रिजल्ट टूवर्ड्स 1.3250 इन सच केस कल का जो बुलिश कैंडल है उसके लो के नीचे अभी क्लोज देना है। इन सच केस हमें ये टारगेट मिलने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं। $80 में भी हमें एक बुलिश कैंडल एक डब्ल्यू पैटर्न का जरूरत है जिसके ऊपर हम एक अपवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट टारगेट टूवर्ड्स 0.672030 एंड सेकेंड टारगेट टूवर्ड्स 6850 CNH currently trading at 7.1790 ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। क्या हमें देखना है इसके ऊपर क्या स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं या लो लेवल पे 7.10 पे नीचे, तब तक यहाँ पे वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगा। ब्रेंट क्रूड क्या है, कल के दिन में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है। यहाँ पे आपको याद रहेगा कि हमारा जो इमीडिएट इस रेंज को कौन सा रेंज 81.5070 को ब्रेकआउट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज है वो 84.3540 इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेक आउट कर देता तो हमारा ये हायर टेरिटरी देख सकता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, एक स्पिनिंग टॉप बनाया, अब ये धीरे धीरे नेगेटिव कैंडल बन रहा है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे जो ऊपर की तरफ ब्रेक आउट किया था दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी एज ए फॉल्स ब्रेक आउट, अभी भी कन्फर्म नहीं है। कन्फर्मेशन के लिए ये जो 26 जनवरी का लो है इसके लो के नीचे जैसे ही क्लोज देगा there are higher possibilities कि brand crude ये जो future है it future price may move towards 76.00 से 76.50। अभी हमें इंतजार है 26 जनवरी का low के नीचे, that means your 81.20 के नीचे अगर close दे देता है तो we are looking for this। US 10 year treasury कल के दिन में एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है, जो इमीडिएट सपोर्ट था उसको तोड़ के नीचे की तरफ गया है 3.945 ये हो गया एक। नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो है 3.79 और 3.80 का यहाँ पे। लेकिन एक देखने वाला चीज है कि ये आज के दिन में अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते हैं देन इट इज गड़बड़, यानी यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट का पॉसिबिलिटी है। क्या ये आज के दिन में थर्सडे के दिन यानी 1 फरवरी को क्या ये ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ देते हैं? इन सच केस हमें थोड़ा सा सावधान होना है एज फार एज 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड इज कंसर्न्ड। अगर नहीं करते हैं या और कल के लो के नीचे सस्टेन कर जाते हैं देन इट इज एक्सपेक्टेड टू हेड टुवर्ड्स 3.80। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी कल के दिन में एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है एंड क्लोज एट 4.21। हमारा एक रेंज बना हुआ है, यहाँ पे वीकली चार्ट में भी देखोगे और डेली चार्ट में भी देखोगे, नीचे की तरफ आपका 4.12 ऊपर की तरफ आपका 4.46। इस रेंज के बाहर जब तक नहीं निकलते हैं मोमेंटम मिसिंग रहेगा। अभी यहाँ पे देखने वाला चीज है डेली RSI, इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40 RSI 40। इसका मतलब क्या है, आज के दिन अगर
स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनते हैं, सो थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो जाएगा सिनेरियस। गड़बड़ का मतलब यहाँ पे ग्रेजुअली में बिल्ड सम बुलिश मूवमेंट। अगर ये कल के लो के नीचे सस्टेन कर जाता है ड्यूरिंग द डे, इन सच ए केस फर्दर नेगेटिविटी में प्रिवेल इन नेक्स्ट टू ईयर ट्रेड। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।